हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। और ये है मेरा कल का करवा चौथ ब्लॉग। तो बस ये मेकअप मैं कर रही थी, इन शॉर्ट यहाँ डाल रही हूँ। मेकअप ट्यूटोरियल अलग से डाल दूंगी क्योंकि डिमांड आ रही थी कुछ सब्सक्राइबर्स की कि मेकअप भी डालो स्टेप वाइज। तो मैं मेकअप को भी अलग से ब्लॉग में डाल दूंगी। फिलहाल इन शॉर्ट बस ये लेट ही नहाई थी मैं कल, सफाई फाई करी मैंने पहले अलमीरा की, क्योंकि पूजा करनी होती है तो लेट ही नहाना था, तो इसीलिए मैंने अराउंड 12:30 बजे में नहा के फिर सीधे रेडी होने लगी पूजा के लिए। तो बस वही रेडी हो रही हूँ, तो इन शॉर्ट आपके साथ वीडियो डाल रही हूँ। और कल चांद, सबको पता है कल क्या हुआ है दिल्ली वासियों के साथ, तो चांद दिखा ही नहीं है, तो फाइनली सबने बिना चांद देख के ही पूजा करी है, व्रत ओपन किया है अपना। तो बस ये देखिए मैं कर रही थी मेकअप। इनिशियली जब हम देखते हैं ना जब फोटोज में हमें ज़्यादा लगता है, बट विथ टाइम थोड़ा सा 5 मिनट्स जैसे आप मेकअप कर लोगे, आप सेट कर लोगे, उसके बाद ये कम हो जाता है, ओवर नहीं लगता है। तो बस ये देखिए मेरा मेकअप रेडी हो गया था। ये मैंने डाल लिया है मेकअप सेटर सेट करने के लिए, फिक्सर, और बिंदी मैं बाद में लगाऊंगी, सिंदूर और बिंदी। और इन शॉर्ट ही मैंने फटाफट अपना जूड़ा बना लिया है। जूड़ा और मेकअप दोनों मेरा आएगा अलग से मेकअप ब्लॉग में, ठीक है। तो ये बस मैंने आगे से कर्ल कर लिए थे और जूड़ा बना लिया। और आज मैंने नेल्स भी लगाए थे, आप देख रहे हो एक हैंड में, फर्स्ट टाइम मैंने नेल्स लगाए हैं, आर्टिफिशियल नेल्स, अच्छे लगा मुझे, आगे से मैं यूज़ करा करूँगी। तो एक्चुअली ये ब्लू क्यों है इसकी भी स्टोरी है। पहले मेरी ब्लू ड्रेस स्टिच होनी थी बट वो हो नहीं पाई, एंड लास्ट मोमेंट पे मैंने फिर मिक्स एंड मैच करके कल पहना है। ब्लाउज तो है ही मेरे पास 3-4 स्टाइलिश। और ये था मेरा करवा चौथ लुक, आप लोग देख चुके होंगे क्योंकि मैं शॉर्ट्स डाल चुकी थी ऑलरेडी। इतना कहाँ कंट्रोल होता है ना, फोटो और शॉर्ट्स तो जल ही जाते हैं इंस्टा और यूट्यूब पे। तो बस ये मैंने मिक्स एंड मैच करके साड़ी पहनी थी। और ये चूड़ा भी मैं डाल चुकी हूँ, क्लासी गर्ल्स करके पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने बनवाया था एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। दो ये लाख का नहीं है, मैं लाख का समझ के बनवाया था, ये सीप का है तो मैंने, बट इसके अंदर लाख मिक्स कर लिए थे, लाख के चूड़े ऐड कर दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे लाख कंपलसरी होता है चूड़े में। चूड़ी हम कांच की भी नहीं पहनते राजस्थान में, जैसे हमारे अलवर साइड में लाख ही होना चाहिए। तो ये एक स्लोमो बनाया था तो मुझे लगा चलो ऐड कर देते हैं, एक लुक भी दिख जाएगा आप लोगों को। तो बस रेडी होके कुछ इंस्टा रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने के बाद फिर मैं हो गई थी तैयार पूजा करने की तैयारी के लिए। और टेबल पे देख सकते हो हस्बैंड लगे हुए थे सफाई फाई में ना, एग्जॉस्ट फैन चेंज वेंज करे थे इन्होंने, ये उसी में लगे हुए हैं, तभी पीछे पूरा ऐसे फैला हुआ है। मैं लगी हुई थी अपनी करवा चौथ प्रिपरेशन में और वो लगे हुए हैं अपनी सफाई में, इसीलिए कल आप देखेंगे कि मेरे साथ उनकी कोई पिक नहीं है। लास्ट में ज़रूर रात में बैठे थे, वो भी थक गए थे तो टायरिंग पिक्स ही हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अब मैं पूजा करूँगी, उससे पहले मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं, तो सिंपल ही करती हूँ ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये चौथ माता की फ़ोटो है और साथ में गणेश जी, क्योंकि गणेश जी की कहानी ज़रूर बोली जाती है पहले। और ये मैंने करवा भर लिया शाम के लिए, दिए और करवा, और ये जल भरा है अभी के लिए। ये प्लेट है सिंपल, रोली और चावल कलावा और फल। और यहाँ पे ये दीदी को मंसने के लिए साड़ी है, एक बार अच्छी देखिए ये साड़ी है दीदी के लिए, और ये सिंगार का सामान, ये साड़ी है, बताना ज़रूर कैसा है। ये सारा सिंगार का सामान है, ये सब, ये बीछिए बीछिए, ये मीठा करवा, ड्राई फ्रूट्स और चूड़ियाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाख का चलता है, मुझे मिला नहीं तो इसलिए मैं पैसे रख दिए। और वो दूसरी वहाँ जो पैकेट दिख रहा है वो मम्मी की साड़ी है, वो मम्मी को दूँगी, ठीक है, यानी मेरी मदर इन लॉ की। तो बस ये सिंपल सा पूजा हम करते हैं, अब बस कथा पढ़ेंगे गणेश जी भगवान की और करवा चौथ माता की, और फिर सूरज को अर्घ्य दे के चाय और पानी एक बार पी लेते हैं, फिर रात में पियेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा। पूजा में एज सच देखिए कोई हम रिचुअल्स तो हमारे नहीं है सच फिक्स कुछ भी, तो जैसा मुझे आता है अपने अकॉर्डिंगली मैं कर लेती हूँ, मम्मी भी ऐसे ही करते हैं, मदर इन लॉ भी। तो एज सच हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो पंडित टाइप्स एक तरीके से वाली नहीं है, जैसा हम करते हैं और वैसे हम पूजा कर लेते हैं। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अलग अलग वे होता है, ये हमारा तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में आयुष बैठा हुआ था, नायशा तो सो रही थी तो मैंने आयुष को ले लिया था, क्योंकि कहते हैं जोड़े तो होना ही चाहिए अकेले नहीं, तो मैंने इसलिए आयुष को ले लिया था। तो एक जोड़ा हो गया, जोड़े में हमने कहानी सुन ली। एस आई सेड हस्बैंड काम में बिजी थे और नायशा जो है वो सो रही है। तो बस ये करवे पे मैंने बिंदी लगा दी है, मंसने वाले पे भी और वैसे भी
सातिया बना दिया है, पूजा कर दी, दिया लगा दिया और अब हम सुनेंगे कथा। तो पहले गणेश जी की, भगवान की कथा बोली जाती है और उसके बाद चौथ माता की, और बस फिर जल को देख के हम लोग पानी पी लेते हैं एक टाइम खाली और चाय एक ही टाइम, उसके बाद नहीं। ना तो सूर्यदेव के दर्शन हुए ना चंद्रदेव के, तो बस ऐसे ही मैं सूरज को अर्घ दे रही हूँ। और ये आयुष शूट कर रहा है, आयुष मेरा पूरा हिला मारता है वीडियो, ये तो मैंने देखा है, आगे से इसको देना नहीं है मुझे, स्टैंड पे लगा दो बैटर है। तो बस इसके बाद मैंने चाय पानी पी लिया था, वो मैं शूट करना भूल गई, बताइए माइंड से ही निकल गया बिल्कुल। और ये फिर सीधे रात का है, रात को मैंने पूजा करके इनके पैर चुके, देखो ऐसे बैठे हुए थे, थके हुए थे, मैंने कहा एक आध फोटो तो खींच लो, तो ऐसे ही इन्होंने फोटो खिंचवाए हैं। तो बस यही था कल का हमारा दिन, सिंपल सोबर, क्योंकि चांद की वजह से सब डिस्टर्ब हो गया सिस्टम, तो बस ऐसे ही हमने फोटोज खींच लिए और बस यही रहा कल का दिन। तो फ्रेंड्स ये हमने बनाया डिनर, पनीर की सब्जी, मीठी सेवई, पराठा और सलाद, बस यही है सिंपल सोबर। तो बस यहीं पे करते हैं दिन को खत्म। एंड प्लीज अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, गुड नाइट, और हम ऊपर में मिलेंगे आपको। बाय।